दोस्तों, अगर आपको भी गुटी लगाना सीखना है या कलम लगाना या फिर किसी से संबंधित और कोई भी ट्रेनिंग चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मी में, और मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गुटी लगाने सीखने के लिए। दोस्तों, आप गुटी के बारे में जानते होंगे, उससे पौधा तैयार होता है। गुटी मतलब जिसको इंग्लिश में एयर लेयरिंग बोलते हैं, और लेयरिंग दो तरह का होता है, एक एयर लेयरिंग होता है और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ज़मीन में लगाते हैं। तो हम आपको एयर लेयरिंग के बारे में बताएंगे। इस एयर लेयरिंग का ज़्यादा प्रचलन आपको नींबू के पौधे में दिखाई देगा, लीची के पौधे में। तो हम दोस्तों आज हम आपको एक जगह लेके जा रहे हैं जहाँ लीची में लग रही है गुटी, है ना। गुटी किस तरह से लगाता है और पौधे किस तरह से तैयार होते हैं, हम आपको इस विजिट में बताएंगे। मेरे साथ हैं ड्राइवर तरुण। तो चलिए दोस्तों, आज निकलते हैं हम ट्रेवल पे। दोस्तों, जो हमने मिट्टी तालाब से कलेक्ट किया था, काली मिट्टी जो काफ़ी चिकनी होती है, उसको वर्मी कंपोस्ट के साथ 50-50% में मिला के, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% चिकनी मिट्टी को मिला के हमने मिश्रण बना लिया है, और इस तरह से हमारा खाद तैयार हो गया है। अब हम गुटी लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। गुटी लगाने के लिए दोस्तों, हम एक अच्छी टहनी का चयन करते हैं। टहनी लगभग पेंसिल के आकार का होना चाहिए और वो 6 महीना से लेके 1 साल के बीच का होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने जो टहनी सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसी के ऊपर गुटी लगाने की प्रक्रिया आपको बताएंगे। गुटी लगाने के लिए दोस्तों, हम दो गठान के बीच का एरिया को चुनते हैं, और जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हमने दो गठान के बीच एक मार्किंग बना दिया है लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा, और उसको गोल काटते हुए उसके सारे छिलके को हम निकाल देते हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आपको सारे प्रक्रिया एकदम धीरे से और जूम करके दिखाया जा रहा है, एक देख सकते हैं। इस तरह से गोल चीरा मारते हुए एक लंबा चीरा मार के उसको हम निकाल देते हैं। कितनी आसानी से आप देख रहे होंगे, इस तरह से सारा छिलका हम निकाल देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि कोई भी छिलका बचे ना, क्योंकि उससे क्या होता है, नीचे से कनेक्शन रह जाता है पौधे का, जो अपने जाइलम फ्लोएम है। जाइलम तो रहता ही है, पर फ्लोएम का कनेक्शन हम लोग को काटना रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, हमने सारे पौधे को छील दिया है, और पीछे भी रह गए हैं उसको भी हम साफ कर देते हैं। और इस तरह से पूरा टहनी हमने छील के सारे बार्क को हटा दिया है। आप देख सकते हैं अब इसमें कोई भी छिलका नहीं बचा है, इस तरह से। अब हम इसमें अपने खाद को लेके लपेटते हैं। इस तरह से हमने नमी बनाए हुए रहता है, देख रहे हैं किस तरह से इसमें नमी है, और इसको आप प्रक्रिया देख रहे हैं किस तरह से इसको गोल करके इसके ऊपर जहाँ से अपन कट किए हैं उसे जस्ट थोड़ा नीचे तक लेते हुए इसको मोड़ देते हैं। और दोस्तों देख रहे होंगे एक किस तरह से उसमें चिपक गया है, हमने एक गोल बना दिया। जहाँ से छिले हैं उसे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए हम इसको लपेट देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इस गुटी लगा दिया है।
अब अगली प्रक्रिया होती है कि इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। इस तरह से कवर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेते हैं ताकि हमें उसमें जड़ का ग्रोथ देखा जा सके, ताकि सही समय संग हम उसका उसको काट सकें और उसको नमी का भी अब हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से। तो दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा पौधा तैयार होने वाला है ग्राफ्टेड। ओके डिलीट कर दो, हटा दे, हटा दो। ओके, एयर लेयरिंग गुटी हाँ। अभी ये टाइट बांधना है, ये अभी कल हटावे जाए चला मैं कर दो नहीं हो, टाइट बांधना है ये दोनों के उसी का हां जी। सुनो कहां जी दोस्तों, इस तरह से हमने लपेट दिया है। अब हम इस तरह प्लास्टिक को दोनों ऊपर और नीचे दोनों को अच्छे तरह से टाइट बांध देते हैं रस्सी के माध्यम से। आप कोई सा भी रस्सी चयन कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। हम इसमें प्लास्टिक की रस्सी का यूज कर रहे हैं बांधने के लिए, क्योंकि वो टाइट बांधने में आसानी पकड़ लेता है। और एकदम ही अच्छे से टाइट बांधते हैं ताकि उसमें से नमी बाहर ना जा सके, क्योंकि हमको इसको कम से कम 1.5 महीने अभी रखना है ताकि उसमें ग्रोथ आ सके। तो ये दोस्तों हमारा ग्राफ्टिंग के गुटी की प्रक्रिया आखिरी चरण पे है, और ये ऊपर में भी सेम उसी तरह से बांध देते हैं जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा गुटी लग चुका है, ये एयर लेयरिंग। ये दोस्तों ये लीची का हमारा पौधा है। अब हम कुछ दिनों बाद आपको इसके सारे ग्रोथ प्रक्रिया दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने काफी सारे ग्राफ्टिंग तैयार। तो दोस्तों देखिए, हमने किस तरह से काफी सारे गुटी तैयार कर चुके हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, लाइन से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से लगा हुआ है। ये काफी आपको दिख रहा है, हमने सारे टहनी को सिलेक्ट करके अपना गुटी लगा दिया है। चलिए दोस्तों, हम कुछ दिनों बाद आपको इसी पौधे का ग्रोथ प्रक्रिया दिखाएंगे। दोस्तों हमने आपको दिखाने के लिए कुछ गुटी लगे हुए थे उसको खोल दिए हैं। तो जैसे खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने बार्क को छीला था उसके जस्ट ऊपर कैलस बना हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से कैलस का निर्माण हुआ है यहाँ पे। इसी से जड़ निकलता है और जड़ बढ़ने के बाद हम उसको कटिंग करके अलग कर देते हैं। हम आपको आगे दिखा रहे हैं किस तरह से जड़ निकलते हैं। हम एक टहनी लेते हैं जिसमें जड़ निकला हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें किस तरह से जड़ निकला हुआ है। ये काफ़ी बड़े बड़े जड़ हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है तो हमको देखने में आसानी हो जा रही है। इसी को हम कटिंग करके पोट में लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो ग्रूटी लगाया थे उसमें किस तरह से जड़ निकला है। अब ये हमें लगाने के लिए तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा लीची का पौधा है, इसको हमने अभी तुरंत काट के ही निकाला है। ये वही डगाल है जहाँ से हमने गुटी लगाया था। अब हम इसको पोट में लगा देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने अभी हमने गमले में लगा दिया, अपने पोट में लगा दिया। तो देखिए हमारा पॉली बैग में हमारा लीची का पौधा तैयार हो गया है। ये रहा हमारा लीची का पौधा।